तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे पार्ट वन और पार्ट टू को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि पार्ट वन और पार्ट टू के पूरे वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि पार्ट वन और पार्ट टू में मैंने बहुत चीज़ों को कवर कर लिया है, जैसे ड्राइंग इंजीनियरिंग होता क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने जाना कि ड्राइंग बोर्ड होता क्या है, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, ड्राइंग बोर्ड का लेंथ साइज वगैरह क्या होता है। उसके बाद मैंने जो टी स्क्वायर है उसके बारे में जानकारी लिया है। उसके बाद ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के बारे में, सेट स्क्वायर के बारे में, ठीक है। तो हम लोग का जो लास्ट टॉपिक एंड हुआ था वो मेरा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स था, ठीक है। तो इसमें हम लोग अब एक एक चीज़ को जानते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ मेरा क्या है, कंपास। तो आप लोग इस चीज़ को जानते ही होंगे कि कंपास होता क्या है, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। कंपास एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में वृत्त व चाप बनाने हेतु किया जाता है, ठीक है। यह स्टील धातु का बना होता है। तो आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि कंपास जो होता है वो मेरा किस चीज़ का बना होता है। तो वो स्टील धातु का मेरा बना होता है, ठीक है। जिसमें दो लेग होती है, इसमें क्या होती है, दो लेग होती है जो कि एक सिरे पर रिवेट की सहायता से इस प्रकार जुड़ी होती है कि दोनों लेग के सिरे आवश्यकता अनुसार फैलाए जा सके। इसकी एक लेग सीधी तथा दूसरी लेग समजनी एडजस्टेबल होती है। समजनी लेग में पेंसिल की लेट तथा सीधे लेग में पिन लगाने की व्यवस्था होती है। कंपास मुख्यतः दो आकार में उपलब्ध होती है, ठीक है। तो हम लोग को मालूम चल गया कि कंपास क्या होता है। अब कंपास का यहाँ टाइप हम लोग को मालूम करना है कि कंपास का टाइप क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं, पहला मेरा जो होता है वो मेरा होता है बड़ी कंपास, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लार्ज कंपास। देखिए, इसका उपयोग हम लोग कहाँ कर करते हैं, इसका उपयोग बड़े आकार के वृत्तों के चाप जिसकी त्रिज्या 150 मिलीमीटर से अधिक हो, ठीक है। अब अगर आपको बड़ा त्रिज्या खींचना है, अगर आपको वृत्त खींचना है, तो उसमें आपको बड़ा कंपास जिसका त्रिज्या कितना है 150 मिलीमीटर से अधिक हो बनाने हेतु किया जाता है। इसमें दो लेग होती है जिन्हें एक नी जॉइंट पर जोड़ा जाता है। इसकी एक लेग के सिरे पर पेंसिल लेड लगाने की व्यवस्था होती है तथा दूसरे लेग का सिरा निडल पॉइंट होता है जिसे सीट में संयोजक हेतु प्रयोग किया जा सकता है। कंपास में लेड के स्थान पर इंक पॉइंट का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास कंपास है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, इंक पॉइंट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे कि मेरे यहाँ पास क्या है, मेरा यहाँ शो कर रहा है एक बड़ी कंपास का फिगर शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका पार्ट्स आप लोग देख लीजिए, जैसे रिवेट से ये कसा हुआ होता है, उसके बाद यहाँ नी जॉइंट होता है और यहीं पर ये मेरा आधा टूटा हुआ रहता है। तो मेरा एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और ये मेरा फुल जो होता है ये मेरा पूरा एक रहता है, ठीक है। उसके बाद ये तो मेरा बड़ी कंपास हो गया। अब छोटी कंपास की हम बात करते हैं, ठीक है। तो छोटी कंपास में क्या होता है, इसका उपयोग छोटी वृत्त जिसकी व्यास 25 से 50 मिलीमीटर के मध्य में हो, ठीक है, उसमें कितना था और इसमें कितना है, तो दोनों में आपको डिफर दिख जाएगा। इसका उपयोग छोटी वृत्त जिसका व्यास 25 से 50 मिलीमीटर के मध्य हो को खींचने के लिए किया जाता है। वृत्त के अतिरिक्त छोटे चाप बनाने, छोटी दूरियों पर निशाने लगाने तथा किसी रेखा के विभिन्न समान भागों में विभाजित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मेरा ये दिया हुआ है एक फिगर कंपास का जो मेरा छोटी है, ठीक है। तो मेरा कंपास कितना होता है, कंपास मेरा दो टाइप का होता है, एक छोटी एक बड़ी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिवाइडर। तो डिवाइडर बहुत किसी को मालूम ही होगा कि क्या होता क्या नहीं होता डिवाइडर, ठीक है। तो देखिए, डिवाइडर क्या होता है, कंपास की भांति इस उपकरण में भी नो जॉइंट पर जुड़ी दो लेग होती है, परंतु इसकी दोनों लेग्स के सिरों पर निडल पॉइंट होते हैं जिसकी सहायता से किसी रेखा को बराबर भागों में बांटा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग किसी एक माप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने हेतु भी किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा डिवाइडर शो कर रहा है, ठीक है। तो कंपास की भांति इस उपकरण में भी नी जॉइंट का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ आप जिसे देख पा रहे हैं कि ये लेग और ये लेग मेरा कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, मतलब कहीं भी जॉइंट नहीं है, ठीक है। और सेम आपको इसमें भी दिख जाएगा ये दोनों जॉइंट, तो ठीक है। तो ये दोनों मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, डिवाइडर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट हम लोग को मालूम करना है कि इसके बाद प्रोटेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो प्रोटेक्टर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए,
प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर पारदर्शी प्लास्टिक का अर्धवृत्ताकार उपकरण होता है। अब अर्धवृत्ताकार मतलब ये, ठीक है, इतना। अब इसी को हम सर्किल बना देंगे तो ये तो मेरा अर्धवृत्ताकार होती है, ठीक है। जिसका प्रयोग डिग्री में कोण मापने तथा बनाने के लिए किया जाता है। इस पर 1 डिग्री के अंतर पर क्लॉकवाइज एवं एंटी क्लॉकवाइज 0 डिग्री से 180 डिग्री तक कोण चिन्हित होते हैं। अब देखिए 1 डिग्री के अंतर पर, इसका मतलब क्या है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपको मालूम हुआ कि ये जो मेरा होता है, ये मेरा 360 का होता है, ठीक है, ये मेरा 360 का होता है। ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया और ये 90 हो गया, ठीक है। तो ये पार्ट्स मेरा 90 हो गया, ये पार्ट्स 90, ये पार्ट्स 90 और ये पार्ट 90, ठीक है। अब क्या होता है, 1 डिग्री के अंतर पर यहाँ बोला जाता है, ठीक है। तो 1 डिग्री के मतलब इस टाइप का ये 360 बार रोटेशन होगा, 360 टाइम, मतलब 360 टाइम्स, मतलब क्या होगा, ये मेरा रोटेशन होगा। और ये एक भाग को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री, ठीक है। तो वहीं पर ये बताया गया है कि 1 डिग्री के अंतर पर क्लॉकवाइज एवं एंटी क्लॉकवाइज 0 डिग्री से 180 डिग्री तक कोण चिन्हित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरा क्या है, ये मेरा एक प्रोटेक्टर का फिगर यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। अब इसी के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं कि कोण को माप सकते हैं या कोण को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं कि मेरा फ्रेंच कर्व क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं अब कि मेरा फ्रेंच कर्व क्या होता है। देखिए फ्रेंच कर्व क्या होता है कि फ्रेंच कर्व जो होता है उसका मुख्य काम क्या होता है कि इसमें ड्राइंग में कर्व रेखा खींचने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मेरा फ्रेंच कर्व का जो यूज होता है वो मेरा कहाँ पर होता है, वो मेरा फ्रेंच कर्व का यूज मेरा होता है कर्व रेखा खींचने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि मेरा फ्रेंच कर्व किस तरह से होता है। देखिए ये सब चीज़ जो है मेरे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जैसे आपका हो गया एक फ्रेंच कर्व हो गया, आपके पास एक टी स्क्वायर हो गया, आपके पास एक सेट स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ कुछ कुछ जो है, एक छोटी कंपास हो गया, एक बड़ी कंपास हो गया, तो ये सब चीज़ क्या है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो फ्रेंच कर्व क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेंच कर्व क्या होता है कि कर्व रूलर का उपयोग ड्राइंग में कर्व रेखा खींचने के लिए, मैंने आपको बताया ना कर्व रेखा खींचने के लिए किया जाता है, या पारदर्शी प्लास्टिक या सेलुलॉइड के बने होते हैं। ये विभिन्न आकार के रूप में 10 से सेट में मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आप मार्केट में जाएंगे और आप अगर बोलिएगा कि मुझे फ्रेंच कर्व चाहिए, तो इस टाइप का आपको 10 सेट मिलेगा। मतलब ये एक हो गया, एक दो हो गया, 3 4 5 6। अब इसी के थ्रू क्या होता है कि हम लोग इलिप्स जैसे हो गया, इलिप्स का शेप बनाते हैं, सर्किल का शेप बनाते हैं, तो इस फ्रेंच कर्व के थ्रू से ही हम लोग क्या करते हैं, ये सब सारा चीज को बनाते हैं, ठीक है। तो अगला हम लोग देखते हैं कि मेरा ड्राफ्टिंग टेम्पलेट क्या होता है, ठीक है। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट क्या होता है, यह अधिक पारदर्शक सेलुलॉइड के भिन्न भिन्न आकार में जैसे आयतकार, त्रिभुज, गोल आदि के बने होते हैं, जिनके अंदर विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, ठीक है, जिनके अंदर विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, वृत्त, षट्भुजा आदि कटे होते हैं। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की आकृतियों बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग यूज क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के आकृतियों को बनाने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वृत्त, षट्भुज आदि के कटे होने की संभावना होती है, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की आकृति बनाने के हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका शेप दिया हुआ, ठीक है। अब इसमें आपको क्या मिल जाता है कि आप सर्किल बना सकते हैं छोटी बड़ी, ठीक है। आपको यहाँ पर अगर षट्भुज बनाना तो बना सकते हैं, पेंटागन बना सकते हैं, षट्भुज, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट साइज का आपको मिल जाता है और इसका उपयोग के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, आप वृत्त, षट्भुज आदि के कटे भाग को बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट आता है वो मेरा क्या है, ड्रॉइंग पेंसिल। अब देखिए इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के हिसाब से मेरा जो है वो ड्रॉइंग पेंसिल बहुत ही इम्पोर्टेंस टॉपिक माना गया, ठीक है, और इससे भी क्वेश्चन आने का बहुत ही आपके पास संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो होता क्या ड्राइंग पेंसिल, देखिए सारा काम तो हम लोग ड्राइंग पेंसिल से ही करते हैं। अगर विदाउट पेंसिल, अगर आप विदाउट पेंसिल के अगर आप सोच रहे कि हाँ हम ड्राफ्टिंग मतलब ग्राफिक पेपर में या तो शीट पेपर में हम ड्राइंग करने, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको पेंसिल से ही यूज करना पड़ेगा। आपको बोला जाएगा कि हाँ पेन से करो, उसके लिए पेन से नहीं यूज होता, ये पेंसिल का यूज होता है इसमें, ठीक है। तो पेंसिल प्राय लकड़ी का बना होता है,
ठीक है, महत्वपूर्ण ड्राइंग उपकरण जिसके बीच में ग्रेफाइट का सिक्का प्लेट अलग अलग मोटाई में 0.3, 0.5, 0.8 में भरा होता है। पेंसिल का प्रयोग सामान्यतः ड्राइंग शीट या ट्रेनिंग ट्रेसिंग पेपर पर ड्राइंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेंसिल का आविष्कार कॉन्रेड गेसनर ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन फिर से बन के आता है कि मेरा ड्राइंग पेंसिल का आविष्कार कौन किया था, तो इसका आविष्कार कौन किया था, कॉन्रेड कॉन्रेड गेसनर ने किया था, कॉन्रेड गेसनर ने किया था। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ पेंसिल। तो यहाँ आपके पास क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि फादर ऑफ पेंसिल किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, कॉन्रेड गेसनर को बोलते हैं फादर ऑफ पेंसिल। ठीक है, अब आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा हो कि विभिन्न प्रकार की डिफरेंट डिफरेंट साइज की यहाँ पर पेंसिल आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1B, 7B, 6B, 5B, 4B, तो यहाँ आपको देख रहा है डिफरेंट डिफरेंट का आपको यहाँ पेंसिल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इन पेंसिलों का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। और इसका क्लासिफाई हम लोग कैसे करेंगे कि किस किस टाइप का पेंसिल, जैसे यहाँ पर 2H है, 3H है, 4H, तो हर पेंसिल का यूज हर जगह अलग अलग होती है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पेंसिल हम लोग देखते हैं। पेंसिल को ग्रेडों के अनुसार वर्गीकृत किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है। अब आपके पास यहाँ एक क्वेश्चन तो आना ही है ये कि पेंसिल को कितने ग्रेडों में विभाजित किया गया, तो आपको बताना है कुल 18 ग्रेडों में ये मुझे विभाजित किया गया। तो कितने ग्रेडों में विभाजित किया गया, 18 ग्रेडों में मुझे ये विभाजित किया गया। ठीक है, जिन्हें कठोरता के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, मतलब हार्डनेस के प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब देखिए कठोर पेंसिल क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कठोर पेंसिल 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H पेंसिल को कठोर पेंसिल का ग्रेड दिया गया। ठीक है, तो ये मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मेरा 6 जो पेंसिल है इसको हम लोग कठोर पेंसिल का ग्रेड दिया गया। सबसे कठोर 9H होता है। ठीक है, सबसे कठोर अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा पेंसिल होता है, तो आप बता सकते हैं कि सबसे कठोर पेंसिल होता है वो 9H पेंसिल होती है। ठीक है, पेंसिल जितना कठोर होता है उतना ही उसका लिखावट हल्का होता है। ठीक है, उल्का लिखता मतलब हल्का लिखता, सबसे हल्की पेंसिल भी कौन सी है मेरी, 9H ही है। ठीक है, तो सबसे कठोर पेंसिल कौन सा, 9H है, और सबसे हल्की पेंसिल कौन सी है, 9H है। तो ये दोनों पेंसिल में आपको मतलब ये नहीं होना है कि कुछ दूसरा चीज़ हम ना मतलब लिख के चलाएं या टिक मार के चलाएं, तो सबसे कठोर भी 9H है और सबसे हल्की भी 9H है। ठीक है, उसके बाद जो मेरा दूसरा आता है वो मेरा कौन सा है, मध्यम पेंसिल। ठीक है, तो मध्यम पेंसिल कौन सा होता है, मीडियम पेंसिल, H2H3H FB HB पेंसिल को मध्यम पेंसिल का ग्रेड दिया गया। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर इसका ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे ज़्यादा पेंसिल का यूज किसका किया जाता है, तो आपके पास अगर ऑप्शन रहेगा H2H3H FB HB, तो ये सब आपको टिक करके आना है। ठीक है, पेंसिल में एच का मतलब हार्डनेस होता है। ठीक है, आपका ये भी क्वेश्चन बन के आएगा कि पेंसिल में एच का मतलब क्या होता है, तो आपको बताना है हार्डनेस होता है। तो बी का भी मतलब क्या होता है, तो बी का मतलब क्या होता है, ब्लैकनेस होता है, कालापन। ठीक है, तो एच का मतलब क्या हो गया, हार्डनेस हो गया, और बी का मतलब क्या हो गया, कालापन हो गया। ठीक है, इसका प्रयोग साधारण कार्य अक्षरांकन आउटलाइन सहित कंस्ट्रक्शन लाइन में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस सब का चीज़ का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो मेरा आता है वो मेरा आता है कौन सा, तो तीसरा मेरा आता है यहाँ पर नर्म पेंसिल। ठीक है, तो नर्म पेंसिल मेरा कौन कौन सा होता है, तो नर्म पेंसिल मेरा क्या होता है कि 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, कंटिन्यू मेरा 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, और बी का मतलब क्या होता है, ब्लैक तक के पेंसिल को नर्म पेंसिल का ग्रेड दिया गया। सबसे नर्म पेंसिल कौन सी होती है, 7B। सबसे नर्म जो मेरा पेंसिल होता है वो कौन सा होता है, 7B का मेरा पेंसिल होता है। पेंसिल जितना नर्म होता है उतना ही गहरा लिखता है, सबसे गहरी पेंसिल 7B है, यहाँ पर 7B सबसे गहरी पेंसिल है। ठीक है, इस पेंसिल का प्रयोग सामान्यतः कलाकारों के द्वारा कला के क्षेत्र में ड्राइंग के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब जो कहीं भी ड्राइंग वगैरह करता है उसके लिए इसका पेंसिल का यूज किया जाता है, सॉफ्ट पेंसिल का, क्योंकि ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। ठीक है, आजकल प्रचलित पेंसिल के स्थान पर मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल या ऑटोमेटिक पेंसिल का प्रयोग किया जाने लगा है, इसमें केवल पेंसिल लीड का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, ज़्यादा पेंसिल का यूज नहीं, सिर्फ उसका लीड का यूज करते हैं हम लोग। तो 0.3, 0.5, 0.7, 0.9
मिलीमीटर व्यास में एक विभिन्न ग्रेडों में उपलब्ध होते हैं। इस लेड को शार्प नहीं करना पड़ता था, ये समान मोटाई की लाइनें खींच रही थी। ठीक है, तो आप देखे होंगे कभी कि आपका जो एक पेंसिल आता है उसमें आपको सिर्फ ग्रेफाइट का जो वो नुकीला भाग रहता है पेंसिल का उसको डालना पड़ता है और आपका स्केच करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें बताया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं स्केल। तो स्केल से तो आप लोग सबको अवगत ही होंगे कि मेरा स्केल क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिफाइन करता हूँ कि मेरा स्केल क्या होता है। स्केल पारदर्शी वस्तु अथवा लकड़ी का बना हुआ होता है। तो ये मेरा दोनों चीज़ का बना हुआ होता है, या तो मेरा पेंसिल का भी, ये मेरा लकड़ी का भी होता है, और ये मेरा क्या प्लास्टिक का भी बना होता है, जिसका प्रयोग विमाओं डायमेंशन को मापने या स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। मतलब घिंचने के लिए, लाइन ड्रॉ करने के लिए या डायमेंशन के लिए, डायमेंशन को मापने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसका किनारा फ्लैट ढलवा, किनारा अलवा त्रिकोणीय होता है। ठीक है, त्रिकोणीय होता है। तो ये सब चीज़ हम लोग किसके बारे में मालूम चल गया, ये सब हमको मालूम चल गया कि स्केल के बारे में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि स्केल के टाइप कौन कौन सा है। ठीक है, अब स्केल तो हम लोग जान गए, हाँ भाई स्केल मेरा ये चीज़ होता है, इससे हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं, मतलब डायमेंशन को माप सकते हैं और स्थानांतरित करके रेखा को हम लोग लाइन दे सकते हैं। ठीक है, ये तो हमको मालूम चल गया। अब हम लोग जानते हैं कि इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं, हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, टाइप क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि स्केल के प्रकार। ठीक है, स्केल के प्रकार आपको यहाँ दिख रहा होगा, स्केल के प्रकार साधारण स्केल, सिंपल स्केल, विकर्ण स्केल, डायगोनल स्केल, तुलनात्मक स्केल, कंपेरेटिव स्केल और वर्नियर स्केल। ठीक है, वर्नियर स्केल। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ का स्केल जो है ये हम लोग धीरे धीरे डिफाइन करेंगे सब चीज़ को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साधारण स्केल को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं, साधारण स्केल को देखते हैं और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे सबको पढ़ते जाएंगे। तो देखिए साधारण स्केल मेरा क्या होता है, इस स्केल के द्वारा केवल हम एक या दो यूनिट तक माप ले सकते हैं। तो इसमें क्या हम लोग करते हैं, एक या दो यूनिट तक के माप ले सकते हैं, जैसे सेंटीमीटर या मिलीमीटर, जो हम लोग प्रायः यूज करते हैं स्केल में। ठीक है, यह स्केल आमतौर पर प्रयोग की जाती है। हाँ, ये चीज़, ये जो स्केल है मेरा, ये सभी यूज करते हैं। आप मार्केट में भी जाएंगे कि हाँ भाई मुझे एक स्केल चाहिए, तो आपको यही स्केल मिलेगा। ठीक है, जिसमें सेंटीमीटर और मीटर का यूज होता है। ठीक है, अब देखिए विकर्ण स्केल क्या होता है। तो विकर्ण स्केल मेरा क्या होता है, इस स्केल के द्वारा तीन यूनिट में दशमलव बिंदु के बाद दो स्थान तक माप लिया जा सकता है, जैसे मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर आदि। क्योंकि सिंपल स्केल से हमें दो से ज़्यादा माप नहीं ले सकते, इसलिए दो या दो से अधिक माप लेने के लिए विकर्ण पैमाने का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैं, हमने क्या किया, यहाँ मैंने दो पेंसिल, मतलब दो स्केल के बारे में मैंने यहाँ डिफाइन किया कि मेरा साधारण स्केल क्या होता है। तो साधारण स्केल में क्या होता है कि सेंटीमीटर और मीटर दो ही चीज़ को हम लोग यहाँ माप सकते हैं। लेकिन विकर्ण स्केल में क्या होता है, इस स्केल के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, तीन यूनिट में दशमलव के बाद दो स्थान तक माप लिया जा सकता है। ठीक है, और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, दो या दो से अधिक माप लेने के लिए विकर्ण पैमाने का यूज़ किया जाता है, मतलब इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही बड़ा बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट अगर लेक्चर में हम आते हैं तो उसमें हम लोग देखेंगे कि तुलनात्मक स्केल क्या होता है, वर्नियर स्केल क्या होता है, रबर क्या होता है, ड्राइंग पेन क्या होता है, ड्राइंग स्याही क्या होता है, क्लैंप क्या होता है। ठीक है, और ये सब चीज़, ड्राइंग शीट का डायमेंशन क्या होता है जिसमें हम लोग ड्राइंग करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद पेंसिल को शार्प करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो ये सब जो चीज़ है वो हम लोग फोर्थ पार्ट में देखेंगे। ठीक है, और फोर्थ पार्ट में हम लोग बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन को जानेंगे। ठीक है, तो इसमें मेरा फिफ्थ पार्ट तक मेरा इसमें बनेगा। उसके बाद यहाँ मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंस जो है वो मैं मल्टीपल क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा, और वो जो मल्टीपल क्वेश्चन होगा वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आपके एग्ज़ाम के हिसाब से वो जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो का भी यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है,